हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ गुणकारी और लाभकारी पौधों के बारे में, जिन्हें कि हमें अपने घर में इस टाइप के जो पौधे होते हैं ज़रूर रखने चाहिए। और वैसे भी फ्रेंड्स, अभी दिवाली आने वाला है, इस शुभ अवसर पे आप जो है बहुत सारे शॉपिंग करते हैं, तो कुछ जो है पेड़ पौधों के लिए भी आप पैसे खर्च करें। एक बार इन पेड़ पौधों को भी अपने घर में लाइए, पूरे नहीं तो कुछ प्लांट्स जो है अपने घर में हमें ज़रूर रखने चाहिए। इनको घर में रखने से जो है हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है और हमारी डेली रूटीन में ये जो है पेड़ पौधे हमेशा यूज़ होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं वन बाय वन करके कि वो कौन से पेड़ पौधे हैं जिन्हें कि हमें अपने घर में ज़रूर रखना चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। लाभकारी और गुणकारी पौधों के लिस्ट में सबसे पहला पौधा जो है होता है हमारा, वो है तुलसी का। तुलसी एक ऐसा पौधा है फ्रेंड्स, जो कि हमें हर घर में देखने को मिलता है और वैसे भी ये पौधा हमारे घर में ज़रूर होना चाहिए। ये पौधा जो है धार्मिक पौधा है। आप इसे अपने घर में चाहे जिस कारण से रखें, चाहे स्पिरिचुअल वैल्यू के कारण रखें या मेडिसिनल इसकी प्रॉपर्टीज़ के कारण रखें, मगर तुलसी हमें हर घर में ज़रूर रखनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो इस दिवाली जो है आप एक तुलसी का पौधा अपने घर में ज़रूर लगाइए। और ऐसा माना जाता है इसमें जो है माँ लक्ष्मी जी का वास होता है और इसे हम हर एक शुभ काम में इसे यूज़ करते हैं। वैसे भी डेली रूटीन में भी ये पौधा हमारे यूज़ होने वाला है। तो इस पौधे के लिए आप इस दिवाली थोड़े पैसे खर्च करिए। वैसे तो सबके पास होता है, अगर आपके पास नहीं है तो ये पौधा अपने घर के अंदर ज़रूर रखिए। इसके अंदर जो है इसके लीव्स को हमें ज़्यादा ज़्यादा यूज़ करना चाहिए फ्रेंड्स। इसमें जो है नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर, मतलब नेचुरली तरीके से होता है, तो इसका हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेवन भी करना चाहिए। नॉर्मल सर्दी खांसी में इसका हम काढ़ा बना के उपयोग करते हैं, तो आप जो है इसे अपने घर के अंदर ज़रूर लगाइए। और इसे जो है घर के अंदर रखने से, बालकनी में अगर आप इस पौधों के रखेंगे तो इसकी जो गंध होती है, इसकी गंध से आसपास जो है मच्छर तक नहीं आते हैं। और वास्तु के अकॉर्डिंग देखा जाए, ऐसा कहा जाता है कि एक पौधा तुलसी का, कोई पौधा हो या ना हो, मगर एक पौधा तुलसी का हर घर में होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं फ्रेंड्स कि हमारा तुलसी का पौधा मर जाता है, सूख जाता है। ऑलरेडी मैंने इस पे कई सारे वीडियो शेयर किया है फ्रेंड्स, आप चाहो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। दूसरा पौधा जो होता है हमारा, वो होता है जैस्मिन प्लांट। जैस्मिन प्लांट भी एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है फ्रेंड्स, परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है। आप इसे अपने घर में रखिए, इसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है कि पूरा हमारा जो स्ट्रेस होता है पूरे तरीके से, अगर आप इसके टाइम, मतलब इसके पास जो है कुछ टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको बहुत ही स्ट्रेस फ्री महसूस होगा, पूरी थकान आपकी दूर हो जाएगी। तो जो है आप जैस्मिन का भी एक पौधा अपने घर में रखिए, ये जो है हमारे स्ट्रेस को बहुत ही ज़्यादा कम करता है और इसकी आसपास जो खुशबू होती है उसकी खुशबू से ही हमारी सारी थकान दूर हो जाती है। ये पौधा भी जो है हमारे सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी और गुणकारी होता है। चमेली का फूल और इसका तेल दोनों ही बहुत ही गुणकारी माने जाते हैं। इनके फूलों से और तेल से निकलने वाली सुगंध जो है हमारे दिमाग को, मतलब दुरुस्त रखने का काम बहुत ही अच्छा करता है। आयुर्वेद में ऐसा कहा जाता है, अगर जो है आप इसकी पत्तियों को, मतलब इसके फ्लावर को दिन में 4 से 5 बार जो है इसको सूंघते हैं तो उससे जो है हमारा स्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। और वास्तु के अनुसार इस पौधे को भी घर में रखना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। अगला पौधा जो हमारा होता है वो होता है एलोवेरा। एलोवेरा जो है एक सेकुलेंट वैरायटी का पौधा है और ये कम केयर में बहुत ही अच्छे से ग्रो होने वाला प्लांट है। और सबसे अच्छी बात है फ्रेंड्स कि ये जो है हमारा एक एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, बहुत सारी इसमें प्रॉपर्टीज़ होती हैं, औषधीय मतलब गुणों से ये भरपूर पौधा है। तो इसको भी आप अपने गमले में लगाइए। ये एक ऐसा पौधा जो कि हमें हर जगह देखने को भी मिलता है। तो अगर आपके पास एलोवेरा का पौधा नहीं है तो एक एलोवेरा आप अपने घर में रखिए। ये जो है एयर प्यूरिफायर होने के साथ साथ ऑक्सीजन रिच प्लांट होता है, इसलिए इसे हमें अपने घर में रखना चाहिए। आप इसे जो है अपने घर के अंदर भी रख सकते हैं, जहाँ की इसको सनलाइट ना मिले वहाँ भी रख सकते हैं, बल्कि इसे बहुत ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप इसको ज़्यादा सनलाइट में
में रखते हैं तो ये जो इसके लीव्स होते हैं येलो पड़ जाते हैं, देखने में खूबसूरत नहीं लगते हैं। कम केयर में ये पौधा बहुत ही अच्छे से ग्रो होने वाला प्लांट है। इसे सब सारी चीज़ों की, पानी की, फर्टिलाइज़र, सनलाइट, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत बहुत ही कम होती है, क्योंकि एक सकुलेंट वैरायटी का पौधा होता है। इसके लीव्स में जो है ऑलरेडी बहुत सारे मतलब पानी होती है, जेल होता है, इसी कारण इसको जो है पानी भी बहुत ही कम देना होता है। और ये कई सारी बीमारियों में, पेट से लेके स्किन से रिलेटेड कई सारी बीमारियों में इसका हम यूज़ कर सकते हैं, और घर में छोटे मोटे कामों में ये पौधा जो है हम यूज़ में करते ही करते हैं। तो इस पौधे को भी आप अपने घर में रख सकते हैं। अगला पौधा जो होता है वो है हमारा करेले, करी पत्ता का पौधा। तो आप जो है अक्सर हम बाहर से करी पत्ता खरीदते हैं जो कि फ्रेश नहीं होता है। अगर आप इसे गमले में लगाइए फ्रेंड्स, गमले में भी ये बहुत ही इजीली ग्रो हो जाता है। आप चाहो तो इसे कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, नहीं तो इसे आप सीड से भी बहुत ही इजीली ग्रो कर सकते हैं। इसका उपयोग जो है हम मसालों में तो करते हैं, ये जो है स्वाद को बढ़ाने के साथ साथ हमारे सेहत के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। इस पौधे को जो है हम मीठी नाम के भी नाम से जानते हैं। ये पौधा जो है वजन घटाने में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। आप इसे अपने डेली किचन में यूज किया करिए, हर एक सब्जी में आप इसे डाल सकते हैं, दाल फ्राई, बहुत सारी चीज़ों में हम इसका यूज़ करते हैं। डायबिटीज़ को नियंत्रण करने में भी ये पौधा बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। शुगर लेवल को कम करने में ये बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। लीवर के लिए भी ये पौधा बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो इस पौधे को जो है हमने अपने घर में जरूर लगाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास करी लीफ का पौधा नहीं है तो इस दिवाली जो है नर्सरी से आप इसको परचेज करके लाइए फ्रेंड्स। ये बहुत ही कम दाम में, वो बहुत ही सस्ते में ये पौधा हमें मिल जाता है, और लाके किसी भी गमले, थोड़े बड़े साइज़ के गमले में लगाइएगा, और कुछ टाइम में ही ये जो पौधा है हमारा बहुत ही हेल्दी तरीके से ग्रो होता है। कम केयर में परमानेंट प्लांट होता है, तो आप इसे एक बार लगाएंगे तो सालों साल जो है ये पौधा हमारे घर के अंदर बना रहेगा। अगला पौधा जो होता है वो है मिंट। मिंट भी पुदीना, जिसे कि हम पुदीना बोलते हैं, पुदीना का पौधा भी इजीली, बहुत ही इजीली ग्रो किया जा सकता है, और इसे आप बहुत बड़े गमले की ज़रूरत नहीं होती है, छोटे से छोटे पॉट में लगा सकते हैं। इसके जो रूट्स होते हैं बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जाते हैं, तो आप इसको जो है किसी भी पॉलिथीन में, छोटे डब्बे में, कहीं भी बहुत ही ईजिली ग्रो कर सकते हैं। पुदीने का पौधा भी जो है बहुत ही ज़्यादा गुणकारी और लाभकारी होता है। इसमें जो है एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं। ऐसे में ये जो है हमारे पाचन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। डाइजेशन की समस्या, कोई भी समस्या हो तो उसके लिए ये पौधा जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और इसे लगाना, सबसे अच्छी बात ये है फ्रेंड्स कि इसे लगाना बहुत ही ईजी होता है। अक्सर हम पुदीने को जो है मार्केट से लाते हैं, अगर आप कभी भी मार्केट से ले आते हैं तो उसकी जो लीव्स को हटा दीजिए, उसके जो पतले पतले स्टेम होते हैं उसको छोटे छोटे पीस में एक एक से 1.5 या 2 इंच का छोटा छोटा कटिंग कर लीजिए और उसे कहीं भी लगा दीजिए, और वो बहुत ही जल्दी, बहुत ही इजीली ग्रो हो जाता है। तो आप इस तरीके से एक पौधा पुदीने का जरूर लगाइए। अगला पौधा जो होता है वो है लेमन ग्रास। लेमन ग्रास जो है एक घास फैमिली का पौधा होता है, और देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं लगता है फ्रेंड्स, मगर अगर इसके जो लीव्स होते हैं ग्रीन ग्रीन, बहुत ही लंबे साइज़ के होते हैं, अगर पूरे ग्रीन रहते हैं तो देखने में भी खूबसूरत लगता है, मगर इसके फायदे बहुत ही अनेक फायदे होते हैं फ्रेंड्स। ये भी बहुत ही गुणकारी लाभकारी पौधा होता है, और सबसे अच्छी बात है कि इसमें आप सालों साल फर्टिलाइज़र नहीं देंगे तो भी ये पौधा जो है अपने आप बहुत ही हेल्दी तरीके से ग्रो होता है। बस आप इसे एक बार नर्सरी से परचेस करके लाइए, और ये मार्केट में इसके लीव्स को सुखाकर बेचा जाता है फ्रेंड्स, महंगे दामों में बेचा जाता है। ये पौधा जो है हमारे पाचन, डाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है, किडनी के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। वजन कम करने के लिए लेमन ग्रास टी हम यूज़ करते हैं जो कि मार्केट से खरीद के लाते हैं। अगर आप फ्रेश लेमन ग्रास यूज़ करेंगे तो उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा फ्रेंड्स। ये हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, बहुत सारी बीमारियों में इसका यूज़ होता है फ्रेंड्स। आप चाहो तो गूगल पे सारे इन जितने भी प्लांट्स मैंने बताए हैं सारे को गूगल पे सर्च कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इससे रिलेटेड अगर आपको जानकारी चाहिए तो। वैसे तो आप ये सारे पौधे बहुत ही अच्छे होते, कॉमन डेली यूज़ होने वाले प्लांट्स हैं फ्रेंड्स, तो आप जो
है अपने घर में, इस तरीके के जो पौधे होते हैं हमें ज़रूर रखने चाहिए। पूरे नहीं तो कुछ पौधे होते हैं जो कि हमारे डेली रूटीन में यूज़ होते हैं, तो कम से कम इस टाइप के प्लांट तो घर में रखना ही रखना चाहिए। तो आप जो है लेमन ग्रास का भी एक पौधा अपने घर में रखिए, ये बहुत ही अच्छे से ग्रो होता है, कम केयर में ग्रो होने वाला पौधा होता है। अगला पौधा जो होता है फ्रेंड्स, वो होता है सेंचुरी प्लांट। ये पौधा तो देखने में भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। सबसे अच्छी बात है कि आप इसे घर के अंदर बाहर कहीं भी रख सकते हैं, और ये सबसे अच्छी बात है कि ये प्लांट ही अपने आप में एक फ्लावर जैसा दिखता है। इसे जो है हिंदी में हम रामबास का पौधा बोलते हैं। ये पौधा भी एक औषधीय पौधा होता है, बहुत ही ज़्यादा गुणकारी होता है। पेट से रिलेटेड हमारी जो समस्याएँ होती हैं उसमें इसका यूज़ होता है फ्रेंड्स। सूजन की समस्या हो, कान दर्द हो, बहुत सारी बीमारियों में ये यूज़ होने वाला पौधा होता है। माइनर कट हो जाता है उसमें भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जो है सेंचुरी प्लांट को बहुत ही ईजली गमले में लगा सकते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट है, अगर आप इसे एक बार लगाएंगे तो सालों साल जो है ये पौधा इसी में ऐसे ही बना रहता है, और ये पौधा बहुत ही लंबे टाइम तक चलता है फ्रेंड्स। इसीलिए जो है इसको सेंचुरी प्लांट के नाम से जानते हैं। लगभग जो है पौधा जो है 100 साल तक, ऐसा कहा जाता है कि 100 साल तक जीता है, रहता है। और इसमें जब एक पौधा काफ़ी पुराना हो जाता है तो इसमें से एक फ्लावर खिलता है। जब वो फ्लावर खिलता है और जब वो फ्लावर सूख जाता है तब उस टाइम ये पौधा भी सूख जाता है, ऐसा कहा जाता है कि इस पौधे में जो है इस टाइप का कुछ होता है फ्रेंड्स। मुझे नहीं मालूम, मगर ऐसा माना जाता है कि सेंचुरी प्लांट के मतलब पीछे ये राज है। तो सिंपल सा पौधा है फ्रेंड्स, मगर आप लगाना चाह रहे हो तो इस पौधे को भी आप अपने घर में लगा सकते हैं। अगला पौधा जो हमारा होता है, लास्ट पौधा हुए, वो है सदाबहार। सदाबहार भी फ्रेंड्स बहुत ही हार्डी परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है, और ये देखने में बहुत ही इसके फ्लावर खूबसूरत लगते हैं फ्रेंड्स। और इसका यूज़ जो है बहुत ही कई सारी बीमारियों में यूज़ होता है। इसका पत्ती, इसके फ्लावर, सारे चीज़ बहुत दोनों ही यूज़ होने वाले होते हैं। और सबसे मतलब अच्छी बात यह है फ्रेंड्स कि ये बहुत ही हार्डी होता है। अगर आप इसे एक बार लगाएंगे ना तो सालों साल बहुत ही कम केयर में बहुत ही अच्छे से ग्रो होने वाला है। अभी मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग की थी, बहुत ही पुराना सा पौधा है। इसे मैंने आटे के पोलिथीन में लगाया है फ्रेंड्स, और बहुत ही अच्छे से ग्रो भी कर रहा है। यहाँ पे ये इसकी दूसरी वैरायटी है फ्रेंड्स, मगर जो गुड़कारी होता है देखने में तो ये भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। सदाबहार की बहुत सारी वैरायटी आने लगी हैं, अभी तो हर एक बहुत सारे कलर्स में आने लगी हैं, मगर जो हमारा देसी सदाबहार होता है वही बहुत ज़्यादा गुणकारी होता है। सदाबहार की पत्तियों में मौजूद एक एल्कलाइड नामक कंपाउंड पाया जाता है जो कि बॉडी में इंसुलिन को मतलब बढ़ाने का काम बहुत ही तेज़ी से करता है। ऐसे में जो है ये पौधा शुगर वाले मरीजों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। और गले में किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो उसमें भी ये जो है बहुत ही यूज़फुल होता है। हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होने पर सदाबहार की पत्तियों का सेवन करना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। स्किन रिलेटेड कई सारे प्रॉब्लम होती हैं फ्रेंड्स, जैसे खुजली, कील मुहासे, झुर्रियों, इन सब में भी इसका यूज़ किया जाता है। आप इस पौधे को इसके औषधि गुण के कारण घर में लगाइए। नहीं लगाना चाह रहे तो ये बहुत ही परमानेंट फ्लावरिंग मतलब प्लांट है। पूरे साल हमें कम केयर में बहुत ही अच्छे से फ्लावर देता है, बहुत ही कम फर्टिलाइज़र, बहुत ही कम पानी, इन सारी चीज़ों की इसे बहुत ही कम ज़रूरत होती है, और ये सालों साल फ्लावर देता रहता है फ्रेंड्स। देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप किसी भी रीज़न से पौधों को घर में लाइए, और ढेर सारे पौधे हमें अपने घर के आसपास घर के अंदर रखने चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस दिवाली जो है आप कुछ नहीं तो पूरे नहीं तो कुछ प्लांट्स जो है इन पे भी पैसे खर्च करके अपने घर के अंदर पौधों को रखिए। ये जो है हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, तो हमें भी कुछ पौधे अपने घर के अंदर जरूर रखने चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा? अगर हेल्पफुल लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।